अब आते हैं बॉन्ड एनर्जीज। तो कोई बता सकता है बॉन्ड एनर्जी क्या होती है यार? क्यों नहीं बता सकते यार, ओ लेवल्स में नहीं पढ़ी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है आपको? बॉन्ड एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ बॉन्ड इन गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर दिस गैसियस मॉलिक्यूल्स गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड। ठीक हो गया, याद रहे कि जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी होती है इट इज ऑलवेज क्या, कौन सी? थर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, और जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज होती हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज दे रिफर टू बॉन्ड्स बीइंग ब्रोकन। और आपको पहले का पता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का इसमें से कौन सी चीज एक्सोथर्मिक है और कौन सी एंडोथर्मिक है? बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सो। ठीक है, ये भी आपको पता है। अच्छा जी, ये बॉन्ड एनर्जी हो गई। अच्छा, अब बॉन्ड एनर्जी की इसकी जो वैल्यूज की बात करें तो ये वैल्यूज डेटा बुकलेट में गिवन होती है। मुझे एक सेकंड दें, मैं आपको डेटा बुकलेट में दिखा देता हूँ कि कहाँ गिवन होती है। हो ये रहना कि अब जी, तो ये आपके पास बॉन्ड एनर्जीज आप देख सकते हैं कि आपके पास ये बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा नहीं, ये देख सकते हैं आपके पास बॉन्ड है, आपने इनकी एनर्जीज यहाँ से लिखी हुई है और आपको ये याद करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ और भी इधर लिखी हुई है और ये और बहुत ज्यादा तो ये लिखी हुई है। ठीक है, पेपर में गिवन सॉरी डेटा बुकलेट में गिवन होती है तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है इसको याद याद करने के लिए।